मैं सुमित राघवन, मैं परिवा प्रणति, हम लोग एक दूसरे की पोल खोलने वाले हैं। कॉल टाइम जनरली मेरा पहले होता है, बट आई थिंक हाँ कॉल टाइम के हिसाब से आते हैं, मैं हमेशा थोड़ा सा लेट ही होती हूँ। ये आदमी को मेकअप करने के हाँ, कितना टाइम लगता है? 5 मिनट, औरतों को 1 घंटा, क्योंकि इतनी गलतियाँ सुधारनी होती है ना, तो टाइम लगता है। हमारा ठीक है, ओके। ओफो, बड़ा काजल और आईलाइनर करना पड़ता है ना, लिपस्टिक विपस्टिक लगानी पड़ती है, टोंग कर रहे हैं, बाल स्ट्रेट कर रहे हैं। उसमें मैं कोई वो ही नहीं होता, मैं इनफैक्ट लड़कियां जितनी भी हैं सेट पे, मैं चिन्मयी जो सखी बनी है, भक्ति जो ज्योति बने, या मानसी हो, सब लड़कियां एकदम ऐसे प्रिपेयर्ड आती हैं सेट पे। लड़कियां प्रिपेयर्ड होती हैं सब, एक्चुअली इनका अगर खाने का टाइम जरा सा इधर का उधर तो सब यूनिट वाले डर गए होते हैं। और इनका एक फेवरेट डायलॉग है जो डायरेक्टर को बोलते हैं, मेरी आई आ रही है टोल नाके पे, बोलते हैं मेरी मम्मी आ रही है, जल्दी से ब्रेक करो वरना कान पकड़ लेगी, यहाँ पर आकर तुम्हारा ऐसे कान खींचेगी। बिल्कुल नहीं, डांटते नहीं है, मतलब हमारे सेट का माहौल एक्चुअली वैसा है थोड़ा सा कि हंसी खुशी, और अगर डांटना होगा ना तो वो दूसरों को डांटते हैं हमारे, हमें इनडायरेक्टली सुनाते हैं। चलिए अभी शूटिंग बहुत हो गया, मजाक, आप लोग मजाक करने नहीं आए हैं, सुमित अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट। क्योंकि चलते सीन में एक चालूपंथी करते हैं कि जो हमारे दोनों बच्चे बने सखी अथर्वा, उनको अपने हंसी पे कंट्रोल नहीं है, ये महारथी ये अपना उनको हंसा देंगे और खुद सीरियस हो जाएंगे, वो दोनों हंसते रहते हैं और फिर डांट खाते हैं। मैं वैसे बहुत सीरियस हूँ, अरे चलो, लेकिन इन लोगों ने मेरी इमेज बिगाड़ दी है, मैं इमेज बिगाड़ दी है, सीधा साधा सुशील मिलनसार संस्कारी सभ्य संस्कारी, ये सारे विशेषण जो है ना वो सुमित राघवन थे वागले के पहले, एक वागले में हमें लगता था ऐसा जब ये काम शुरू किया था, मिला मैं और नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका इनकी इनकी छत्रछाया में हमारे सेट के सारे लोग एकदम ही उड़ गई है। कुछ नहीं, कभी सेट पे आके देखो, सब बिगड़ गए, सब के सब बिगड़ गए। सद्गुरु से अगर आप मिले नहीं हो तो कुछ हाँ, इनका चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, ये कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे और सब हंस रहे होंगे, उसके बाद सबको डांट पड़ रही होगी, ये कैसे सुमड़ी में निकल जाएंगे। बदनामी क्या, सबको हंसाते रहते हैं, विच इज अ गुड थिंग, हंसाना जरूरी है। अच्छा, मतलब भागने के लिए, मतलब ऐसा है कि एक्चुअली क्या होता है कि सब आप एक वो हो जाता है कि बाय द टाइम पैकअप होता है तो 9:30 हो रहे होते हैं, तो सबको एक वो होता है कि आप अपने अपने घर प्रस्थान किया जाए। और हमारे एक्चुअली जानवर भी बहुत सारे सेट पे, तो हमारा ये भी होता है कि उनको खाना उनका खाना, इनका खाना उनका खाना, सबका खाना हो जाए, तो उसमें थोड़ा टाइम हम लेते हैं, बाकी ऑब्वियसली बच्चे वेट कर रहे थे। जूते तो हाथ लगाने को उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर ऐसा कुछ होता है ना तो फिर मजा आता है कि चलो अब कल ही हम लोग सीन कर रहे थे, उसमें ढेर सारे जूते थे, तो वो ऑफकोर्स एक चादर में लपेट कर, तो मैं इनफैक्ट ये कह रहा था कि यू नो आप आते हो एंड देन यू हाथ से ऐसे ऐसे करो, अरे चलो, तो वो उनको वो जानबूझ के कर रहे थे क्योंकि उनको पता है ये चीज, मैंने पहले ही बोला कि मैं जूते वूते टच नहीं करूंगी किसी के भी, अभी 50 जूते थे उस सीन में, किस किस के होंगे वो थोड़ी ना मैं छूंगी, नहीं छूने चाहिए, अरे अरे। और ये हमारे सेट की ये एलिजाबेथ जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी मत बोलो, इन्होंने एक फालतू का मजाक बना रखा है, इन्होंने ये मोरी बोलो, मोरी क्या मोरी तो बोला वो थोड़ा भी रोल आर आर्स, कुछ भी मत बोलो, देखो ये भी बिलीव नहीं कर रहा है आपकी बातें, गिर गया। इन्होंने ये शुरू कर रखा है और इनका जो औलाद बना है शिहान कपाई अथर्वा, वो एकदम ऐसे वो भी चालू हो जाता है सबको उस मौके, अभी दीपेश को भी वहाँ पे चालू करके आए थे हमारे डायरेक्टर को। इनकी क्या पोल नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट और एक है कि क्या भूले जा रहे हो, रुको अभी काम मेरे साथ ही करना है, समझे ना, ये लोग बाय बाय करके चले जाएंगे। हम इनके इनकी बोली है कि इनको ना ओसीडी है
ठीक है। तो ये अगर कपिल शर्मा के शो में हम लोग गए थे प्रमोशन के लिए, तब मैं इनको ढंग से जानती भी नहीं थी, हमारा ऐसा कोई बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ था, शूट जस्ट शुरू हुई थी और हम दोनों को साथ में बैठाया था। तो पहली चीज़ मैंने नोटिस की, ये बैठे हैं, शूट हो चल रहा है और ये टेबल पे ना ऐसे कुछ लगा हुआ था, वो साफ करने में लगे हुए थे। तो मैंने इनको रोका वहाँ पे कि शूट हो रहा है कपिल शर्मा के शो में, अभी आप टेबल मत साफ कीजिए। फिर मुझे बाद में पता चला धीरे धीरे कि इनको एक्चुअली सफाई का ऑब्सेशन है, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इन्हीं का रूम सबसे ज्यादा गंदा करेंगे। तो पूरा इस सेट के जितने एक्टर्स हैं हम इन्हीं के रूम को जाके गंदा करते हैं। अभी हमारी भूरी है जो हमारे साथ रहती है, हां वो भी इनका रूम गंदा करती है, और वो मेरे रूम को उसने जो है वो कैनल बना दिया है, डॉग हाउस बना दिया है। और केक कटिंग की सेरेमनी होती है हमारे उसमें, बहुत बर्थडे जिसके भी बर्थडे होते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि केक गिरता पड़ता है ना लोगों के खाने में, तो वो इनके रूम में किया जाता है। और क्या और कुछ बाकी, तो सुशील ना 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 सब और इनको ये आदत है, हाँ ये जो सीन मतलब इनका कुछ भी आएगा ना उसका उल्टा करके मजाक बना के ताकि सब पागल हो जाए हंसते हंसते, उसके बाद एक्चुअली लोगों को सीरियस होना, सीरियस सीन में भी ये करते हैं ऐसी हरकतें। तो वो एक नहीं बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, कॉन्स्टेंट इनका वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर, वो हंस रहे हैं लोग शक्ल देखे पीछे देखो, शक्ल देखे दिखाना पड़ रहा है इतनी सीरियस होगी, सीरियस होते तो भी हंसी आ रही होती है मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बस करो अभी, ये अभी प्रमोशन पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है और क्या है इनकी और क्या देखो ये नौटंकी चालू होगी इनकी अच्छी क्वालिटी ये भी है इनकी कि हम आई थिंक अच्छी क्वालिटी ये भी नहीं, अच्छी ही क्वालिटीज है अच्छी क्वालिटी ये भी है, क्वालिटी ये भी है, क्वालिटीज अच्छी है। अरे हट सो कि साफ सफाई को लेके हम लोग सब बहुत ऑब्सेस्ड हैं, एटलीस्ट हम दोनों बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। तो हम सेट पे सफाई इंस्पेक्टर की तरह दोनों घूमते रहते हैं, तो कोई भी बॉटल इधर उधर फेंकने वाला तो हमको देख के जल्दी से डस्टबिन में डालता है, और हम ऐसे रूल और रोड पे भी लड़ते चलते हैं, थूको मत फेंको मत ये सब चलता रहता है हमारा। तो हम अभी सेट के पीछे हमने पूरी सफाई करवाई है, ये सब पे चिल्लाए भी उस दिन क्योंकि जरूरी था। और हाँ